बॉर्डर में चीन और पाकिस्तान तो क्या पंछी भी नहीं मार पाएगा, पर भारत ने दिखाई 21वीं सदी की सबसे जबरदस्त तकनीक। दोस्तों, पहले पाकिस्तानी आतंकवादी हों या फिर चीनी घुसपैठिए, वो कभी भी मुंह उठाए भारत की सीमा में घुस जाया करते थे, लेकिन अब भारत ने उनका पक्का इलाज करने की ठान ली है। भारत ने ऐसा जुगाड़ लगा दिया है कि पीएलए तो क्या पीएलए का पंछी भी बॉर्डर पार नहीं कर पाएगा। आखिर कौन सी है वो तकनीक, कौन सा है वो वेपन सिस्टम, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमने मीडिया रिपोर्ट और कई खबरों में ये देखा है कि चीन की पीएलए कभी भी मुंह उठाकर भारतीय सीमा में घुस आती है। चीन तो चीन, पाकिस्तान भी भारतीय सीमा में घुसकर आए दिन भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए देश में भेजे जाने वाले ड्रग्स, हथियार, गोला बारूद और नकली नोटों से देश के युवा तो बर्बाद होते ही हैं, साथ ही नकली नोट से देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसे रोकने के लिए भारत ने गजब का हथियार बनाया है। भारत में चीन पाकिस्तान की ओर से होने वाले घुसपैठ को रोकने के लिए जिस वेपन सिस्टम को बनाया गया है, उसका नाम है एंटी ड्रोन सिस्टम। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यह दावा किया है कि अगले 6 महीने में देश को सटीक एंटी ड्रोन सिस्टम मिल जाएगा। इसे सबसे पहले भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाया जाएगा, उसके बाद भारत बांग्लादेश और फिर भारत चीन बॉर्डर पर इसकी तैनाती की जाएगी। एंटी ड्रोन की तैनाती के बाद यदि पड़ोसी देशों से कोई ड्रोन भारत की सीमा में भेजा जाता है तो न सिर्फ उसका पता लगेगा बल्कि ज़रूरत के मुताबिक उसे शूट भी किया जाएगा। दोस्तों, आपने मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में तो सुना ही होगा। आज की तारीख में ड्रोन सबसे घातक हथियार बनकर सामने आया है, क्योंकि ये छोटे ड्रोन काफ़ी किफ़ायती होते हैं, जिससे दुश्मन को कम खर्च में ज़्यादा घातक हथियार मिल जाते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम के लग जाने से भी मॉडर्न वॉरफेयर में मदद मिल पाएगी। उम्मीद है कि जून तक देश को एंटी ड्रोन तकनीक मिल जाएगी, जिसके बाद सबसे पहले इसे पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाया जाएगा, इसके बाद जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और फिर पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगने के बाद इसे चीन बॉर्डर पर भी तैनात कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पंजाब बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने के लिए 3 तरह की तकनीक के ट्रायल किए जा रहे हैं। आपको वो चील तो याद ही होगी जिसे देख अमेरिका भी हैरान हो गया था। दरअसल इंडियन आर्मी ड्रोन वॉरफेयर से निपटने के लिए चील को भी ट्रेनिंग दे रही है, ताकि जैसे ही दुश्मन का ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हो, ये चील उस पर झपट्टा मारकर या तो उसे डिसबैलेंस कर दे या फिर उसे मार गिराए। दोस्तों, दुश्मन को मारने के लिए पहले से खुद को बचाना सबसे ज़्यादा अहम होता है। सबसे पहले हमें अपने आप को सुरक्षित करना होगा, अपने देश को सुरक्षा में मजबूत करना होगा, तभी हम देश के दुश्मनों से निपट पाएंगे। और ये एंटी ड्रोन सिस्टम इसी दिशा में एक कदम है। इससे न केवल बाहरी बल्कि अंतरिक्ष सुरक्षा कवच भी मजबूत हो पाएगा। वर्तमान में आए दिन पाकिस्तान की तरफ से पंजाब, कश्मीर और अन्य बॉर्डर वाले इलाकों में देश में ड्रोन के जरिए ड्रग्स, हथियार और अन्य गैर कानूनी चीज़ों को भेजा जाता है। इसमें अधिकतर चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। बॉर्डर पर तैनात जो जवान हैं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं। उनके कान भी उतने ही तेज हैं जितने हमारे, उनको भी उतना ही दिखाई देता है जितना हमें, और उनको भी हमारी ही तरह नींद भी आती है। अब समस्या ये है कि अभी बॉर्डर पर डटे जवान ड्रोन की आवाज़, लाइट या फिर अन्य तरीके से इसका पता लगाते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम आ जाने से जैसे ही ड्रोन भारत की सीमा में प्रवेश करेगा, सिस्टम तुरंत इमरजेंसी अलर्ट देगा। इससे जवानों को समय रहते ड्रोन को मार गिराने में मदद मिल पाएगी। दोस्तों, आप इस सिस्टम को छोटा मोटा मत समझिएगा। ये देखने में भले ही छोटा है, लेकिन काम देश की सुरक्षा का करेगा। धन्यवाद।